Okay, motion A one and two dimension. क्या होता है ये डायमेंशन? देखो डायमेंशन मीन्स क्या होता है, तो इसके पहले सबसे पहले ये जानो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब तुम्हारा धीरे धीरे फिजिक्स चालू होगा, अभी तक तो सब कैलकुलेशन था, डायमेंशनल फॉर्मूला एनालिसिस करना, ये सब था। यहां से तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चालू होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? जैसे एग्जांपल, सपोज ये ऑब्जेक्ट ए है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कैन यू मेजर? क्यों इवा महक? अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, मेजर कर सकते हो क्या? अंकिता, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मगर अभी वाले केस में जब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, तो मेजर करना पॉसिबल है क्या? अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ, अब मेजर कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ओके, तो पहले ये ओ वाला मिसिंग था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि कहां से बोल रहे हैं सर मेजर करने के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या पोजीशन मेजर करने के लिए अपने को एक ओरिजिन तो चाहिए ना, बिना ओरिजिन के मेजर कर लोगे क्या? विदाउट ओरिजिन इसका डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल है? नहीं है। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ, तब तो हो जाएगा मेजर, जो भी होगा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये जो इनिशियल पॉइंट है और द पॉइंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन, द पॉइंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए ओरिजिन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑफ एनी अदर पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ भी ओके, हाँ नमस्ते। अरे छोड़ दूंगा ना मैं 15-15 तारीख तक। हाँ, और मैं बोला था अभी मैं पूरा नहीं दूंगा, धीरे धीरे करके दूंगा उसको, ठीक है, जो रेस्ट अमाउंट है ना। हाँ तो, हाँ तो हर महीने तो पिछले महीने गेव हुआ ना, अब इस महीने से मैं चालू कर दूंगा, पिछला बाकी उधारी पटा रहा था, ठीक है, ठीक। चलो देखो यहां, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है या पोजीशन फाइंड करना है या वेलोसिटी फाइंड करना है,
तो एक पॉइंट को, कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट को अपने को क्या मेजर करना पड़ेगा? ओरिजिन। बिना ओरिजिन पॉसिबल है क्या? विदाउट ओरिजिन नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, द पॉइंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ ओरिजिन फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफरेंस पॉइंट एंड अ थ्री डायमेंशनल फ्रेम रिलेटेड टू दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रिफरेंस। थ्री डायमेंशनल फ्रेम यानी सेंटर में ओरिजिन रहेगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके, आया समझ में कि नहीं आया? तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसी को क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है? ओके, तो फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, वन पॉइंट कंसीडर्ड एज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रिफरेंस पॉइंट एंड द फ्रेम रिलेटेड टू दिस पॉइंट एंड दिस थ्री डायमेंशनल फ्रेम रिलेटेड टू दिस पॉइंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रिफरेंस। ये तुम्हारा डेफिनेशन हो गया फ्रेम ऑफ रिफरेंस का। ओके, चलो अब देखो यहां पे नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? जब भी हम लोग आगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बार बार टर्म यूज करेंगे देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट? सपोज एक टेबल है, इस टेबल पे एक चौक का पीस रखा हुआ है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? टेबल को कि चौक को? किसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? भाई एक टेबल पे एक चौक रख दिए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल है कि चौक है? क्यों है? किसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? टेबल को बोलेंगे कि चौक को बोलेंगे? काजल, चौक को बोलेंगे ना। क्यों बोलेंगे? क्योंकि चौक का जो साइज है टेबल के कंपेयर में वेरी स्मॉल है। तो ऐसा जरूरी है क्या कि ऑलवेज जो टेबल, जो चौक है वही पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? अगर एक रूम में ये टेबल रखा हुआ है, ये टेबल है एक बड़े से रूम में है या हॉल के अंदर है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हॉल की टेबल? टेबल हुआ। अब ये जो हॉल है वो अर्थ के ऊपर, हॉल भी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब सोलर सिस्टम में अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? भाई पूरा सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लेनेट वगैरह हैं, तो उसमें अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना?
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट छोटा रहे तभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। तो इफ शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द अदर ऑब्जेक्ट अराउंड इट देन दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। और इफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ देयर शेप एंड साइज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट अराउंड इट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे कंसिडर करोगे कि जब उस ऑब्जेक्ट का शेप साइज अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वेरी स्मॉल है, तो देन दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे एक पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब गैलेक्सी में जो सन है वो भी क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऐसा रहता है ना गैलेक्सी, उसमें सन भी क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सोलर सिस्टम में अर्थ क्या हुआ? पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। अर्थ के ऊपर कोई एक जो कंट्री है वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो, क्यों महक, कोई डाउट है? ठीक है, यानी अपने को जिस भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना है ना, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट के कंपेयर में अगर उस ऑब्जेक्ट का शेप साइज या डायमेंशन स्मॉल है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके। अब चलो देखते हैं आगे। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट और मोशन क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? जैसे सपोज एक टेबल है और इस टेबल पे एक कॉर्नर में एक बुक रखा हुआ है, इस बुक का सेकेंड कॉर्नर से डिस्टेंस है 1 मीटर, तो बुक अभी कौन से कंडीशन में है? रेस्ट की मोशन। कौन से पोजीशन में? एक कॉर्नर में है बुक, रेस्ट में। आफ्टर वन डे व्हाट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड कॉर्नर? एक दिन के बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा? चेंज होगा क्या? नहीं, उतना ही रहेगा 1 मीटर। After 2 days भी 1 मीटर, after 3 days, 30 days, 1 month, 1 year, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने एनवायरमेंट के रेस्पेक्ट में, यानी आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसके रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। Therefore this object is called in rest। पूछेगा अगर डेफिनेशन, what is the definition of rest? तो ये नहीं बोलना कि जो रुका हुआ है वो रेस्ट में रहता है, ऐसा नहीं है। रेस्ट मीन्स कुछ क्या लिखें, द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट मूव, और मोशन मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी इन रेस्ट, ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? इफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट। समझ में आया, क्लियर हुआ डेफिनेशन? अब व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ मोशन? मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, सपोज इस टेबल पे अगर एक जो चींटी है वो मूव कर रही है,
ओके तो इस टेबल के सारे कॉर्नर से उसका पोजीशन हमेशा सेम रहेगा क्या अगर वो चल रही है तो? नहीं रहेगा ना, यानी दिस ऑब्जेक्ट ऑलवेज चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग, देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग then the object is called in motion, and if any object do not changes its position with respect to their surrounding then the object is called in rest. This is the definition of rest and motion. Kisi ko koi doubt hai definition pe? Nahi hai, chalo achhi baat hai. To ye ho gaya tumhara definition of rest and motion. अब नेक्स्ट है मोशन इन वन टू एंड थ्री डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं? वन डायमेंशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। देखो थ्री डायमेंशन होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन देन देयर मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। बताओ तो क्या होगा एग्जांपल वन डायमेंशनल मोशन का? क्यों काजल, व्हाट विल बी एग्जांपल फॉर वन डायमेंशनल मोशन? स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कहां देखे हो वन डायमेंशनल मोशन? जो रोड में कार चल रही है उसका मोशन वन डायमेंशनल मोशन है क्या? क्यों महक? मोशन ऑफ कार ऑन रोड इज वन डायमेंशनल मोशन और नॉट? क्या होगा, हो सकता है? यस और नो? यस ओके, स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहिए। तो कार का मोशन तो एकदम स्ट्रेट तो हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो इधर उधर मूव करेगा ही। तो क्या हो सकता है? मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? रेलवे ट्रैक एकदम स्ट्रेट है, उस केस में ट्रेन का मोशन वन डायमेंशनल होगा कि नहीं होगा? अब उसके ट्रैक पे कोई भी आ जाए तो ट्रेन तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी ना, तो देयरफॉर मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक में बोल रहा हूं, कहीं कहीं देखना जो ट्रैक ऐसा कर्व रहता है वहां उसका मोशन वन डायमेंशनल नहीं होगा। जहां पे स्ट्रेट ट्रैक रहेगा एट दैट ट्रैक द मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। ओके सिमिलरली अब ये एक थ्रेड है, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को इधर और इधर टाइट कर दिए और इसके ऊपर एक चींटी चल रही है, इसका मोशन वन डायमेंशनल होगा कि नहीं होगा? चींटी तो उड़ेगी नहीं, उसको तो जाना है ना, या तो इधर जाएगी या उधर जाएगी। तो मोशन इज वन डायमेंशनल और नॉट? होगा कि नहीं होगा? क्यों भूमिका, रविशु, मोशन ऑफ एनी इंसेक्ट ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग वन डायमेंशनल मोशन है कि नहीं है? क्यों महक,
Yes. So if any object move in straight line, then their motion is called one-dimensional motion. Okay. Two-dimensional किसको बोलेंगे? Two-dimensional motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है, देयर मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. यानी इन इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन प्लेन सरफेस, देन देयर मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन. एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है. मोशन ऑफ बोट ऑन रिवर टू डायमेंशनल है कि नहीं है? बोट जब रिवर में मूव कर रही है तो टू डायमेंशनल मोशन है कि वन डायमेंशनल मोशन है? बोट ऐसा स्ट्रेट मूव करेगी क्या कभी भी? तो देयर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन. जो कैरम बोर्ड है उसमें जो क्वाइन मूव कर रहा है वो मोशन कौन सा मोशन होगा? टू डायमेंशनल मोशन. ओके. रोड में जो ट्रेन जो व्हीकल मूव कर रही है, देयर मोशन आर टू डायमेंशनल मोशन. हम लोग जो मूव करते रहते हैं कौन सा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन. ओके. फिर आता है थ्री डायमेंशनल मोशन. तो स्ट्रेट लाइन में चल रही, सरफेस में चली गई, अब क्या बचा है? आकाश में उड़ रहा है, थ्री डायमेंशनल मोशन. यानी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस, देयर मोशन इज थ्री डायमेंशनल मोशन. स्पेस में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ काइट. समझ में आया कि नहीं आया? तो दीज मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल. तो इसका आज नोट्स बना लेना. ओके.